हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशंस DS2। ओके, सो एज वी हैव स्टार्टेड दी थर्ड लेसन ऑफ फिजिक्स सीरीज, दैट इज अ थर्मोडायनामिक्स। ओके, थर्मोडायनामिक्स ये लेसन अपन ने यहाँ पर स्टार्ट किया है। ओके, सो इन दी लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट दी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर दी न्यू पॉइंट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस थर्मोडायनामिक्स, दैट इज अ हीट इंजन्स। ओके, हीट इंजन के बारे में अपने को यहाँ पर देखना है कि हीट इंजन क्या करता है, कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर ये काम करता है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है, ये सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं व्हाट इज अ हीट इंजन। हीट इंजन क्या है और इसको स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर ये पॉइंट खत्म होने के बाद समझ में आ जाएगा। ओके, सो देखेंगे। सो डेफिनेशन आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड व्हाट इज अ हीट इंजन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। ओके, सो हीट इंजन इज अ डिवाइस, ठीक है। हीट इंजन क्या है, हीट इंजन एक डिवाइस है, दिस इज एन डिवाइस, ये एक डिवाइस है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट ट्रांसफॉर्म, ये क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है या फिर ट्रांसफर करता है, एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, कौन, एक डिवाइस जिसका नाम है हीट इंजन, ठीक है। सो हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म, ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करता है, क्या ट्रांसफॉर्म करता है, किसके अंदर ट्रांसफॉर्म करता है, हीट एनर्जी को। ओके, दिस ट्रांसफॉर्म दी हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को ये ट्रांसफॉर्म करता है इनटू दी वर्क, ठीक है। मतलब हीट एनर्जी से वर्क के अंदर ट्रांसफॉर्म करने वाले जो डिवाइस होते हैं, जो डिवाइस का नाम हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज अ हीट इंजन। ओके, सो हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म हीट एनर्जी इनटू दी वर्क और मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, वर्क या फिर मैकेनिकल एनर्जी के अंदर यहां पर ये कन्वर्जेशन करता है, कन्वर्जन करता है, उसी को हम हीट इंजन कहते हैं। ओके, सो हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म द हीट एनर्जी इनटू द वर्क और मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे डिवाइसेस को हम यहाँ पर हीट इंजन कहेंगे। ओके, सो हीट इंजन क्या है, आपको यहाँ पर पिक्चर क्लियर हो चुका होगा, सो हीट इंजन इसी को हम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। अब हीट इंजन जो होता है वो टोटल किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करता है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है, लेकिन कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो हीट इंजन works on the mechanism of cyclic process, okay, cyclic process in order to change the thermodynamic states। देखो, एक सिंपल यहां पर सेंटेंस लिखा है मैंने, हीट इंजन वर्क्स। अब ये जो हीट इंजन होता है किसके मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है, सो हीट इंजन वर्क्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ, किसके मैकेनिज्म के ऊपर ये काम करता है, ऑन द मैकेनिज्म ऑफ साइक्लिक प्रोसेसेस। ओके, सो साइक्लिक प्रोसेसेस के मैकेनिज्म के ऊपर काम करने वाला जो डिवाइस है उसको हम हीट इंजन कहते हैं। सो हीट इंजन साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या, जहां से स्टार्टिंग की है वहीं पर ही जाकर के एंड होना, इसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये सर्कुलर मैनर के अंदर होती है, ठीक है, मतलब स्टार्ट होगा इनिशियल से और एंड होगा इनिशियल के ऊपर ही जाकर के, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर ही आके एंड करना, इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, इसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। सो हीट इंजन वर्क्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस इन ऑर्डर टू चेंज, क्या चेंज करने के लिए, इन ऑर्डर टू चेंज द थर्मोडायनामिक स्टेट्स को यहां पर चेंज करने के लिए। ओके, सो थर्मोडायनामिक स्टेट्स को चेंज करने के लिए ये क्या करता है, यहां पर साइक्लिक प्रोसेस के अंदर यहां पर ये काम करता है। ओके, सो यहां पर ये क्लियर हो चुका है अपने को। नाउ हीट इंजन्स रिसीव्स हीट फ्रॉम सोर्स
सोर्स कॉल्ड एज रिजर्वायर। देखो अब ये जो हीट इंजन होता है ये क्या करता है, हीट रिसीव करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो हीट इंजन रिसीव, एक्चुअली हीट इंजन एब्जॉर्ब नहीं करता, उसके अंदर जो सिस्टम होती है उसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है ये यहाँ पर हीट करता है, उसको अपन आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। सो हीट इंजन रिसीव, हीट इंजन क्या करता है, रिसीव करता है, इट रिसीव्स, रिसीव्स मतलब लेना, एब्जॉर्ब करना, क्या एब्जॉर्ब करता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, सोर्स से ये हीट का एब्जॉर्प्शन करता है। अब ये सोर्स क्या रहता, सोर्स मतलब जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होती है, इसको हम रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, जो सोर्स होने वाला है जिससे हमारा हीट इंजन एब्जॉर्ब करता है हीट को, उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उसको हम सोर्स कहते हैं, और सोर्स को ही यहाँ पर बोला गया है रिजर्वायर। ओके, सो रिजर्वायर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होती है यहाँ पर रिजर्वायर के अंदर। ओके, तो जो सिस्टम हम कंसिडर करने वाले हैं, सिस्टम जो रहती है एक्चुअली जो अपने को पता रहता है उसको अपन सिस्टम कहते हैं, जो हमें पता नहीं होता हम उसे सराउंडिंग्स कहते हैं। ओके, सो सिस्टम, सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, सपोज गैस मॉलिक्यूल्स ही आज तक अपन यहाँ पर कंसिडर करते आए हैं, तो वही हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। सो सिस्टम जो है, ओके, जो सिस्टम है मेरा, ओके, वो सिस्टम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो सिस्टम एक्चुअली यहाँ पर रिसीव करेगा, सिस्टम रिसीव्स और यू कैन से दैट एब्जॉर्ब्स, ओके, एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी और हीट फ्रॉम रिजर्वायर इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म इनटू वर्क। देखो अब ये जो सिस्टम हम कंसिडर करने वाले हैं हीट इंजन के अंदर, सो सिस्टम रिसीव करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट, अब सिस्टम क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। इसका जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको, है ना। सो सिस्टम रिसीव्स और एब्जॉर्ब्स हीट, जो सिस्टम होता है ये हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, रिसीव करता है, कहाँ से रिसीव करता है, रिजर्वायर से रिसीव करता है, जो कि आपका सोर्स है, जो कि आपका सोर्स है। सो फ्रॉम द रिजर्वायर ये हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ओके, इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म इन वर्क। ठीक है, वर्क के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म इनटू द वर्क, ओके, इनटू द वर्क होना चाहिए यहाँ पर एक्चुअली, सो इनटू वर्क, वर्क के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए। देखो पहले ही लिखा है मैंने, हीट इंजन क्या करता है, ये एक डिवाइस है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है हीट एनर्जी को, कौन सी एनर्जी के अंदर, वर्क या फिर मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, सो जो अपने हीट इंजन के अंदर जो सिस्टम रहे कंसिडर करने वाले हम यहाँ पर, तो सिस्टम क्या करती है, हीट का एब्जॉर्प्शन करती है सोर्स से, रिजर्वायर से, और उसको वर्क के अंदर कन्वर्ट करती है। ओके, बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बट टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय दी सिस्टम, इसको वर्किंग सब्सटेंस भी कहा जाता है। सिस्टम को क्या कह सकते हैं हम, वर्किंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं, मतलब ये काम करने वाला सब्सटेंस है तो इसको हम वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जो हीट यहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके, सो बट द टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम दैट इज अ वर्किंग सब्सटेंस is not transformed into the work। ठीक है, देखो सो क्या मीनिंग है इसका, टोटल हीट जो हम एब्जॉर्ब होने वाली है यहाँ पर, टोटल हीट का जो एब्जॉर्प्शन होने वाला है, कौन हीट का एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन करेगा, मतलब वर्किंग सब्सटेंस इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, टोटल हीट जितनी एब्जॉर्ब होंगी उतनी टोटल हीट यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने वाली नहीं है, मतलब कन्वर्ट होने वाली नहीं है, किसके अंदर, वर्क के अंदर। तो फिर बची हुई एनर्जी किधर जाएगी, उस एनर्जी का यहाँ पर लॉस्ट होने वाला है। ओके, सो लॉस्ट
लॉस ऑफ द हीट एनर्जी. ओके सो लॉस ऑफ हीट एनर्जी इज देयर. यहाँ पर हीट एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है बाय द लॉस ऑफ हीट एनर्जी बाय द सिस्टम. सिस्टम यहाँ पर क्या करता है, हीट एनर्जी को लॉस करता है. ओके सो लॉस ऑफ द हीट एनर्जी बाय द सिस्टम. सिस्टम यहाँ पर क्या कर देता है, हीट एनर्जी का लॉस कर देता है. ठीक है सो हीट एनर्जी का लॉस हो जाता है सिस्टम से, मतलब सिस्टम एब्जॉर्ब जितनी हीट करेगा टोटल हीट का कन्वर्जन, टोटल हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला नहीं है वर्क के अंदर. टोटल हीट का ट्रांसफॉर्म होगा क्या, नहीं होने वाला है वर्क के अंदर. टोटल हीट यहां पर ट्रांसफॉर्म बिल्कुल भी होने वाली नहीं है. सम अमाउंट ऑफ हीट का यहां पर क्या होगा, लॉस होने वाला है. ठीक है वो सिस्टम से लॉस होने वाला है. देखो चलो अब हम यहां पर एक्चुअली एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं. ठीक है एलिमेंट्स के बारे में हम यहां पर फिगर आउट करेंगे. सो सबसे पहले तो मैं यहां पर स्कीमेटिक, इसका एक बेसिक स्कीमेटिक किस तरीके से होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे ही ले लेते हैं एक्चुअली. चलो सो एलिमेंट्स के बारे में देखने के पहले हम यहां पर एक स्कीमेटिक देख लेते हैं छोटा सा. सपोज मैंने कंसिडर किया ये मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम है ऐसा कंसिडर किया हमने यहां से. ठीक है एक साइड में यहां पर कनेक्टेड होता है दैट इज अ एक रिजर्वायर, और यहां से एक रिजर्वायर कनेक्टेड होता है. ठीक है यहां पर जो रिजर्वायर कनेक्टेड होता है इसको हम यहां पर कहेंगे दिस विल बी अवर हॉट रिजर्वायर. ओके सो यहां पर जो रिजर्वायर होता है इसको हम कह सकते हैं यहां पर हॉट रिजर्वायर. ओके सो हॉट रिजर्वायर इज देयर, और यहां पर हम कंसिडर करेंगे दिस विल बी अवर कोल्ड रिजर्वायर. ओके दिस इज द हॉट रिजर्वायर एंड दिस इज द कोल्ड रिजर्वायर, और यहां पर जो हम कंसिडर करेंगे ये क्या है, अपने को जो पता है दिस इज नथिंग बट अ सिस्टम. ठीक है ये सिस्टम है अपना, दिस इज नथिंग बट अ गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है सो सिस्टम यहां पर एब्जॉर्ब करेगा हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर. कोल्ड रिजर्वायर का फंक्शन क्या है वो सब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं. सो ये हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, वर्क के अंदर कन्वर्ट करने का ये यहां पर काम करता है. तो ये एक जनरल स्कीमेटिक मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है. अब हम यहां पर देखेंगे एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द हीट इंजन. हीट इंजन के अंदर कौन से एलिमेंट्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं. ओके सो हीट इंजन के अंदर कौन से एलिमेंट्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं, विच आर दी एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द हीट इंजन. हीट इंजन के अंदर कौन से एलिमेंट्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहला एलिमेंट है बेसिक एलिमेंट, दिस इज अ वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस ये सबसे पहला बेसिक अपना एलिमेंट है. ओके सो वर्किंग सब्सटेंस मतलब क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस मतलब जो आप यहां पर सिस्टम कंसिडर करने वाले हो. ठीक है जो आप यहां पर सिस्टम कंसिडर करने वाले हो उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग सिस्टम, दैट इज अ वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं. अब ये बेसिकली सिस्टम या फिर वर्किंग सब्सटेंस का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर, फ्रॉम दी हॉट रिजर्वायर एंड कन्वर्ट इट इंटू दी वर्क. ठीक है देखो सो वर्क सब्सटेंस, ओके वर्किंग सब्सटेंस जो है मेरा वर्किंग सब्सटेंस, तो वर्किंग सब्सटेंस यहां पर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. क्या एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है. कहां से एब्जॉर्ब करता है, हॉट रिजर्वायर से. ठीक है सो हॉट रिजर्वायर से ये यहां पर हीट का एब्जॉर्प्शन करता है, और क्या करता है फिर कन्वर्ट करता है, मतलब हॉट रिजर्वायर से सिस्टम क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वर्क के अंदर ये यहां पर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा. ठीक है कन्वर्ट करेगा ये किसके अंदर, वर्क के अंदर कन्वर्ट करने वाला है. ठीक है अब ये जो मेरा हॉट रिजर्वायर होता है, हॉट रिजर्वायर इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है. ओके सो जो हॉट रिजर्वायर है दिस हैविंग दी मोर अमाउंट ऑफ हीट, दैट इज अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज देयर. ठीक है इसके अंदर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहां पर होती है, बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर यहां पर हीट होती है. ओके लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज देयर, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रेजेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहां से प्रेजेंट होती है इस रिजर्वायर के अंदर. ओके और जिसका कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है, इसका एक कांस्टेंट यहां पर हायर टेम्परेचर होता है जिसको हम यहां पर टीएच कहते हैं.
ओके सो दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट रिजर्वायर. सो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर TH मैं यहां से लिख सकता हूं, ठीक है. इसके बाद में यहां पर रखा है मैंने कोल्ड रिजर्वायर. अब ये कोल्ड रिजर्वायर का फंक्शन क्या है वो भी आपको यहां से क्लियर होगा. सो कोल्ड रिजर्वायर इज ऑल्सो केप्ट ओवर देयर. सो कोल्ड रिजर्वायर एब्सॉर्ब्स मच अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस. देखो जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है, अब इसने क्या किया है, हीट को एब्सॉर्ब किया है. वर्किंग सब्सटेंस ने हीट को यहां पर क्या किया है, एब्सॉर्ब किया है. तो वर्किंग सब्सटेंस के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट के अंदर यहां पर हीट एनर्जी आने वाली है. सो कोल्ड रिजर्वायर क्या करता है, सो कोल्ड रिजर्वायर दैट विल बी दी एब्सॉर्ब्स मच अमाउंट ऑफ हीट. कोल्ड रिजर्वायर क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है. क्या एब्सॉर्ब कर लेता है, मच अमाउंट ऑफ हीट. बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हीट ये क्या कर लेता है, कोल्ड रिजर्वायर एब्सॉर्ब कर लेता है. मतलब पूरी की पूरी यहाँ पर वर्क के अंदर कन्वर्ट होती है क्या, नहीं, लॉस भी होता है. लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो हीट यहाँ पर एब्सॉर्ब करके लेके आने वाला है हॉट रिजर्वायर से, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो रहेगी कोल्ड रिजर्वायर क्या करेगा, उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है. अब ये जो कोल्ड रिजर्वायर होता है इसका भी यहाँ पर एक टेम्परेचर होता है. सो कोल्ड रिजर्वायर जो है अपना यहाँ पर, सो कोल्ड रिजर्वायर हैविंग द लोएस्ट टेम्परेचर इज दैट, ओके, हैविंग द कॉन्स्टेंट लोएस्ट टेम्परेचर, जिसको हम TC ऐसे डिनोट करते हैं, ओके. सो कॉन्स्टेंट लोअर टेम्परेचर TC. सो इसका जो टेम्परेचर होता है हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, दिस विल बी दी TC, ओके. कॉन्स्टेंट लोअर टेम्परेचर होता है कोल्ड रिजर्वायर का, ठीक है. सो कोल्ड रिजर्वायर का यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है, दिस विल बी दी अवर TC, ओके. सो ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है, ओके. सो कोल्ड रिजर्वायर हैविंग दिस इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट इज अ TC, ठीक है, जो कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट को यहाँ पर क्या करता है, एब्सॉर्ब करने का काम करता है. सो दिस इज अवर फर्स्ट एलिमेंट इज दैर दैट इज वर्किंग सब्सटेंस. अब आगे के एलिमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट सेकेंड एलिमेंट इज नथिंग बट हॉट एंड दी कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है. सेकेंड एलिमेंट की तरफ हम देखेंगे, दैट इज अ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है. देखो हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर होता है यहाँ पर, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर इसके ऊपर हमने डिस्कशन एक्चुअली यहाँ पर कर लिया है, ठीक है. हॉट रिजर्वायर के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है इसका, दैट इज अ TH, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहता है इसका TH हॉट रिजर्वायर का. सो हॉट रिजर्वायर से ही सिस्टम क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है, ओके. सो यहाँ से हीट का क्या होता है, हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. सिस्टम यहाँ पर क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है. सिस्टम यहाँ पर क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है हीट. हीट एब्सॉर्ब करता है सिस्टम, ओके. हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. इसके बाद होता है आपका कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है. कोल्ड रिजर्वायर का भी यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहता है. सो वॉट इज अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर कोल्ड रिजर्वायर. कोल्ड रिजर्वायर के लिए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है मेरा TC, ओके. सो TC इज द कॉन्स्टेंट लोअर टेम्परेचर फॉर द कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है. सो कोल्ड रिजर्वायर का फंक्शन क्या है यहाँ पर, कोल्ड रिजर्वायर कूल्स और एब्सॉर्ब्स एक्सेसिव हीट फ्रॉम दी वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है. वर्किंग सब्सटेंस ये क्या करता है, एक्सेसिव हीट को यहाँ पर खींच लेता है, ठीक है. एक्सेसिव हीट को यहाँ पर ये खींच लेता है. अब जो सिस्टम होती है वो सिस्टम किससे बनी हुई होती है, अब सिस्टम जो होती है अगर हम कंसिडर करें कि सिस्टम मेरी आइडियल है, ठीक है. अगर आपने कोई हीट इंजन कंसिडर किया है वो आइडियल हीट इंजन है, ठीक है. अगर आपने आइडियल हीट इंजन को कंसिडर किया है तो आइडियल हीट इंजन के अंदर जो सिस्टम होती है वो आइडियल गैस होती है,
ठीक है, इसके अंदर आइडियल गैस होती है एज इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में यहां पर आइडियल गैस होती है किसके अंदर, आइडियल हीट इंजन के अंदर, ठीक है। सो आइडियल हीट इंजन के अंदर यहां पर वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, आइडियल गैस होता है, ओके। सो आइडियल गैस यहां पर वर्किंग सब्सटेंस रहता है, ओके हाँ। सो आइडियल गैस, इसके बाद में अगर मैं यहां पर बात करूं प्रैक्टिकल हीट इंजन की, सो प्रैक्टिकल हीट इंजन जो होते हैं, ओके, सो प्रैक्टिकल हीट इंजन के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिकल हीट इंजन के अंदर होता है आपके फ्यूल्स का, जो आपके पास फ्यूल्स है, ओके, फ्यूल्स के वेपर्स इसके अंदर होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसके अंदर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस का इसके अंदर मिक्सचर होता है, ठीक है, गैसेस का मिक्सचर इसके अंदर होता है, ओके, जैसे कि आपके ऑटोमोबाइल हीट इंजन के अंदर, ठीक है। इसका एग्जांपल हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं दैट इज ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल हीट इंजन, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल हीट इंजन है उसके अंदर इस तरीके से यहां पर मैकेनिज्म रहता है, ओके। सो ऑटोमोबाइल हीट इंजन के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिकल हीट इंजन इसके अंदर रहता है, जिसके अंदर क्या होता है, गैसोलाइन सब्सटेंस या फिर गैसोलाइन दैट इज अ पेट्रोल डीजल, ये यहाँ पर हीट इंजन के अंदर यहाँ पर यूज होता है, पेट्रोल डीजल, ओके। सो ये यहाँ पर यूज होता है हीट इंजन के अंदर। सो दिस इज अवर सेकेंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, दिस इज नथिंग बट अ सिलेंडर, ठीक है। थर्ड एलिमेंट यहाँ पर हीट इंजन के अंदर आता है जिसका नाम है सिलेंडर, ओके। अब सिलेंडर क्या है, जो आपका सिस्टम है, जो आपका सिस्टम है ये इनक्लोज होता है किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, ठीक है। जो सिस्टम होता है वो सिलेंडर के अंदर एनक्लोज होता है, ओके। सो द सिस्टम दैट वी हैव कंसिडर, द सिस्टम इज एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड इन द सिलेंडर, ठीक है। सिस्टम जो होता है वो सिलेंडर के अंदर एनक्लोज होता है, ओके। सो सिस्टम इज एनक्लोज्ड इन द सिलेंडर, सिस्टम जो होता है वो सिलेंडर के अंदर एनक्लोज होता है, बंद होता है, ठीक है। सो जो सिस्टम होता है वो एनक्लोज होता है सिलेंडर के अंदर। सो दिस विल बी अ सिंपल सिलेंडर, यहाँ पर क्या करता है, अब सिलेंडर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, देखो आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो सिलेंडर के अंदर होता है मासलेस, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस इसके अंदर क्या होता है, पिस्टन रहता है, ओके। सो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन इसके अंदर कंटेन करता है, ओके। सो सिलेंडर कंटेन्स दी मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ओके। अब ये जो पिस्टन होता है इसके ऊपर क्या कर सकती है, जो सिस्टम है, ठीक है, जो सिस्टम है अपनी, जो वर्किंग सब्सटेंस है, ये पिस्टन के ऊपर यहाँ पर काम कर सकता है, वर्क कर सकता है, ओके। सो सिस्टम इज नथिंग बट जो सिस्टम यहाँ पर रहने वाला है, इसी को हम यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं, ओके। सो सिस्टम को ही हम यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। तो ये जो मेरा वर्किंग सब्सटेंस है ये क्या कर सकता है, यहाँ पर वर्क कर सकता है, ऑन दी वर्क कर सकता है, वर्क्स ऑन दी पिस्टन, ओके, वर्क्स ऑन द पिस्टन। देखो जो सिस्टम होने वाली है आपकी, सिस्टम यहाँ पर क्या कर सकती है, मतलब सिस्टम को ही हम वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। तो ये वर्किंग सब्सटेंस क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, काम कर सकता है, किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, ठीक है। जैसे ही सिस्टम यहाँ पर काम करने वाली है पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना, पिस्टन यहाँ पर ऊपर जाने वाला है, एंड देयर विल बी अ मूवमेंट इन दैट सराउंडिंग और एनवायरमेंट इज देयर, ठीक है। तो वहां से क्या होने वाली है, मूवमेंट होने वाली है। सो देयर विल बी दी मूवमेंट, मैकेनिकल मूवमेंट जिसको हम यहाँ पर कहेंगे, दिस विल बी दी मैकेनिकल मूवमेंट इज देयर, ठीक है। सो मैकेनिकल मूवमेंट यहाँ पर होने वाली है, सो मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ दी व्हीकल, ठीक है। सो व्हीकल का यहाँ पर क्या होने वाला है, मैकेनिकल मूवमेंट यहाँ पर होने वाला है, ओके। सो मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ दी व्हीकल, जो व्हीकल का आपका मैकेनिकल मूवमेंट होता है ये किस वजह से होता है, क्योंकि वहां पर जो पिस्टन है वो वहां पर क्या हो रहा है, पिस्टन के ऊपर यहां पर काम हो रहा है, बाय दी सिस्टम, सिस्टम यहां पर पिस्टन के ऊपर काम कर रहा है, सिस्टम यहां पर सराउंडिंग्स के ऊपर काम कर रहा है, तभी आपका जो व्हीकल है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव यहां पर करता है,
ठीक है. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द हॉट एंड दी दैट इज हीट इंजन. हीट इंजन के यहाँ पर ये क्या है, दीज आर द सिंपल एलिमेंट्स. ठीक है. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर. नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा हीट इंजन के रिगार्डिंग वो हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर. नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.